भाई एनी मल का जलवा कायम है चारों तरफ, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, फॉरेन हो, हर जगह एनी मल का चर्चा है। एनी मल ने लगभग 540 करोड़ रुपए भारत के अंदर कमा लिए हैं। इसके अलावा मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि अमेरिका के अंदर उसने गर्दा उड़ा के रख दिया है, वहाँ भी लगभग उसने 125 करोड़ रुपये छाप डाले हैं। भारत के अंदर 540 करोड़ कमा चुके हैं, टोटल 880 करोड़ रुपये कमा चुकी है, और ये जल्द ही 900 करोड़ के पार चली जाएगी, 900 करोड़ रुपये ये कमा लेगी। और इसके सामने जो है कई बड़ी फिल्में हैं जो धराशायी होने वाली हैं। लगभग पठान को तो उसने कुचल के ही रख दिया है। तो अब क्योंकि पर डे इसका कलेक्शन जो है 80 से 82 लाख रुपए हो रहा है, और जिसमें से 75 लाख रुपए तकरीबन वो हिंदी से अभी भी कमा रही है। इसके अलावा 5 लाख रुपए इसके तेलुगु वर्जन से और 2 लाख रुपए तमिल वर्जन से इसने अपने 28वें दिन कलेक्ट किए। तो 28वें दिन उसने कमा लिए हैं लगभग 81 से 82 लाख रुपए। तो ये फिल्म के लिए अच्छी बात है, और इस तरह से ये 2 से 3 या 4 दिन में और अभी ये पैसे कमाएगी। तो मान के चलिए कि ये 543 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है पठान का हिंदी बेल्ट में, वो ये तोड़ देगी, धड़ल्ले से तोड़ देगी। इसमें कोई राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि रणबीर की जो है एनिमल, बॉबी की जो एनिमल है, वो शाहरुख खान की पठान को कुचल के रख देगी, फाड़ के रख देगी। तो यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी बेहतरीन फिल्म साबित हो रही है, बाकी रणबीर के पूरे कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्म। इतना पैसा कमाने वाली फिल्म में रणबीर ने पहले काम नहीं किया था। इससे पहले उनकी फिल्म संजू आई थी, जिसने ताबड़तोड़ कमाई करी थी, एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद ये उनकी फिल्म आई है, और इसकी पिछली फिल्म जो रणबीर की आपने जो देखी हो या जानते हो शायद, तू झूठी मैं मक्कार, वो थी, और उसने भी ठीक ठाक कलेक्शन किया था। लव रंजन ने उसको बनाया था, श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी थी। तो लोगों को वो फिल्म भी अच्छी लगी थी, लेकिन एनिमल का जो स्वैग है, जो क्रेज है, वो भैया किसी को भुलाए नहीं बोल रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते।